नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज का शायद चैनल में। और आज मैं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक ले आया हूँ। नॉन वर्बल रीजनिंग के तहत आज हम पढ़ेंगे पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग। पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग एक साथ हम पढ़ेंगे, एक साथ समझेंगे, और आइए देखते हैं इसको कैसे किया जाता है। और आप लोग लाइक नहीं करते, आप लोग शेयर नहीं करते, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए। मैं इतना मेहनत से आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, तो उसको आप अच्छे से कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमको भी अच्छा लगे बताने में, आपको सुनने में भी अच्छा लगे। इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए देखते हैं पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग कैसे किया जाएगा। इसको समझना बहुत ही ईजिली है, बस आप हल्का सा एक दिमाग में कंसेप्ट बना लेंगे तो बहुत आराम से कर लेंगे। और इससे एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, कन्फर्म एक आएगा, या तो पेपर कटिंग से रहेगा कि पेपर फोल्डिंग से रहेगा, पर एक क्वेश्चन कन्फर्म रहेगा। तो आइए हल्का सा समझते हैं। तो पेपर कटिंग में देखिए, मैं आपको हल्का सा बता दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए एक कागज़ है, ये कोई कागज़ है, ठीक है ना। तो ये आप देख रहे हैं एक कागज़ है, तो इसको अगर मैं ऐसे मोड़ देता हूँ, इसको देखिए, जैसे मैंने अभी इसको ऐसे मोड़ दिया, तो ये क्या हो गया, ये फोल्ड हो गया ना, ये क्या हो गया, ये फोल्ड हो गया। अब अगर जैसे मान लीजिए मैं इसमें क्या कर दूँ, बीच में कोई छेद कर दूँ, या फिर ऐसा कुछ कटिंग कर लूँ, सर्किल टाइप का या ट्रायंगल टाइप का, जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपको करके, देखिए ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने उसको जो है हल्का सा बीच में मैंने वो कर दिया। अब इसको जब हम, ये पेपर मैंने क्या किया, कटिंग कर दी, ठीक है ना। अब इसको जब मैं खोलता हूँ तो देखिए क्या दिख रहा है, कि ये जो मैंने अभी आपको पहले दिखाया था ये दृश्य, इसमें क्या हो गया, अब ये दोनों तरफ क्या हो गया, सर्किल्स बन गए आपके। उसी तरह से आप क्या करोगे, इसको चाहे जितना भी मोड़ दोगे, और जितना भी आप, जैसे आप दो बार मोड़ दिए फिर बीच में करोगे, तो आपको जब ऐसे आप खोलेंगे इसको, पूरा पूरी चीज़ खोलोगे आपको, तो दो जगह ना दिख के चार जगह आपको दिखेगी, 1 2 3 4, यानी 1 2 3 4, चार जगह। चूँकि मैंने सिर्फ एक बार फोल्ड करके एक बार यहाँ गोला किया है, इसलिए इसमें यहाँ दो बार था। अगर वो मैं एक बार और फोल्ड करके बीच में सेंटर पे गोला करूँगा, तो ये आपको कहाँ कैसे दिखेगा, 1 2 3 4, यानी चार आपको जो है सर्कल जो है देखने को मिलेंगे। तो ये था आपका बेसिक कॉन्सेप्ट पेपर कटिंग कैसे की जाएगी, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं, इसी तरह से हम कुछ प्रश्न हैं, इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, जो परीक्षा दृष्टि से आते हैं। जैसे कि इसमें पहला सवाल आप देखिए क्या दिया गया है, कि एक सर्किल था, ऐसा आपको दिया रहेगा प्रश्न, वहाँ आपको दिखेगा, आप पेपर सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको लग भी रहा होगा, ठीक है ना। तो आप ये एक सर्कल दिया है, इसमें देखिए डायरेक्शन दी गई है। डायरेक्शन कहने मतलब है कि ये चीज़ इस तरह से कुछ मुड़ी होगी, मतलब ये चीज़ कैसे होगी, इधर मुड़ी होगी। इसके बाद देखिए यहाँ इस तरह से डायरेक्शन दिया गया, इस तरह से, मतलब कोई सर्किल था उसको ऐसे मोड़ा गया, फिर ऐसे मोड़ दिया गया, मतलब कुछ, अब ये आकृति आपके सामने आ गई है, कुछ ये इस तरह की मोड़ने के बाद ये आकृति आ गई है, और यहाँ पे क्या कर दिया गया, हल्का सा ये ऐसे कर दिया गया है, मतलब कटिंग कर दी गई है। तो इसको जब आप कटिंग करेंगे तो आपको इसका दृश्य कैसे दिखने को मिलेगा, देखिए 1 2 3 4, मतलब फोर पार्ट में जब आप खोलेंगे तो आपका उत्तर कुछ यूं होगा, ये आधा और ऊपर आधा, ये आधा ऊपर आधा, अब ये दोनों मिल जाएंगे आपस में, तो कैसे हो जाएंगे, पूरा एक सर्किल बन जाएगा। तो ये आपको क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी तरह से आप एक दो क्वेश्चन अगर आप लगाएंगे तो ऑटोमेटिक आपको जो है महसूस होने लगेगा कि क्या चीज़ें कहाँ कहाँ से हैं, ठीक है ना। और देखिए जैसा कि मैंने आपको नॉन वर्बल में हमेशा बताया था, हमेशा बेस पकड़ के चलेंगे। देखिए मैंने आपको बताया था, जब आप ये आप लिए हो 1/4 पार्ट, किसी भी सर्किल का 1/4 पार्ट आपने लिया, देखिए जब यहाँ पे अर्ध अर्ध गोलाकार है ना, तो आप इस अर्ध गोलाकार को अपने ऑप्शन में ढूंढोगे, ऑप्शन में ढूंढोगे तो उसमें हो सकता है आप दूसरे ऑप्शन या तीसरे ऑप्शन में आपको आपका आंसर लगभग लगभग मिलता हो दिखे। फिर आप जो शेष बचे दो ऑप्शन है उसमें आप थोड़ा सा कंपेरिजन करोगे। देखिए खासकर इस तरह के सवालों को लगाने के लिए हम ऑप्शन की मदद ज़्यादा लेना पसंद करते हैं, हमारा जल्दी से आंसर आता। देखिए कर तो आप सभी लोग लोगे रीजनिंग, बट यहाँ पे क्या है कि तेज़ी से कितना किया जाए, ये ज़्यादा भलाई है, ठीक है ना। तो आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगले क्वेश्चन कुछ नहीं किया गया है, देखिए ये ऐसे ऐसे मोड़ा गया, फिर ये ऐसे मोड़ दिया गया, फिर फाइनली हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया, ये आ गया है। इसके बाद यहाँ पे सर्किल, यहाँ पे छेद किया गया, और यहाँ पर ये हल्का सा इस तरह से काट दिया गया। तो फिर उसके बाद अब क्या होगा, ये पूछा जा रहा है कि अब क्या होगा। तो इसको जब आप खोलोगे, जब इसको आप खोलेंगे तो कुछ जो है इस तरह की आकृति आपको दिखेगी, ठीक है, ऐसे। कुछ इस तरह की आकृति आपको दिखेगी, जहाँ पर ये दो सर्किल है, यानी कि एक सर्किल इधर, एक सर्किल इधर,
एक इधर और बीच में वही चीज़ एक दो तीन और चार, कुछ ही आपको जो है आकृति देखने को मिलेगी। अर्थात ये क्या है, ये जो आपको आंसर निकल के आया क्या है, ये तो सिंगल वन पार्ट का था, तो दो दो चार दो छः दो आठ, देखिए दो दो चार दो छः दो आठ ऑटोमेटिक आ गया कि नहीं। अर्थात दो सर्किल जब कोने पे किए गए तो इसको जब खोलेंगे तो चार ऊपर छः और लास्ट आठ, यानी कि देखिए दो दो चार दो छः दो आठ, तो यानी आपका ये क्या हो गया, ये आपका सही उत्तर हो गया। ये बीच ये बी वाला आया हुआ क्वेश्चन है, इसको इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा, ये आता है क्वेश्चन, आया हुआ क्वेश्चन। इसके बाद हम थर्ड पे आएंगे। थर्ड आकृति आपको दिख रही है कैसी है, एक कैसी है, षटकोण है, मतलब छः भुजाओं वाली है, ठीक है ना। देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स षटकोण है। इसके बाद देखिए किया क्या गया कि ऊपर से उसके कवर को ऐसे मतलब मोड़ दिया गया, देखिए ये ऐसे मोड़ दिया गया, ये ऐसे मोड़ दिया गया, तो कुछ ये आकृति आपको दिख गई सामने, कुछ ही ये आकृति आपके सामने आ गई। इसके बाद क्या किया गया, इसको भी मोड़ दिया गया, इसको भी फोल्ड कर दिया गया, तो कुछ ये आकृति आ गई। अर्थात फाइनल आकृति आपके पास क्या आ गई, कुछ ये आ गई, ये आ गई। इसके बाद हमने एक कोने पे यहाँ एक कोने पे यहाँ कुछ सर्किल कर दिया, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, अब हमारा उत्तर क्या होगा, अब जब हमने इसको कर दिया तो कितनी बार फोल्डिंग की गई, वन टू थ्री, थ्री बार फोल्डिंग की गई। और यहाँ पे कोने पे लास्ट में क्या किया कर दिया गया, सर्किल कर दिया गया, मतलब काट दिया गया, सर्किल नुमा काट दिया गया। अब इसको जब आप खोलेंगे तो कैसा चित्र आपको दिखेगा, देखिए पूरा षटकोण ऐसे आप बना लेंगे तो ये बनेगा, ये तो आपके ऑप्शन में रहेगा ही रहेगा। अगर इससे कुछ विपरीत जाता है, अगर पंचभुज जाता है, तो आप सीधे उसको आप एलिमिनेट करके चलेंगे। तो इसको आप जब करेंगे देखिए वन टू थ्री फोर इधर फाइव सिक्स, तीन बार किया गया, दो दो चार दो छः, देखिए दो है ना, और तीन बार फोल्ड किया गया तो दो दो चार दो छः, अर्थात दो दो चार दो छः, तो ये आपके पास ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये हो गया आपका पेपर कटिंग, मतलब कटिंग को कैसे किया जाता है ये आपको समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। अब हम बताएंगे पेपर को मोड़ा कैसे जाएगा, ये भी बहुत सिंपल है, कोई बहुत टफ नहीं है, बहुत आराम से हो जाएगा ये भी, बल्कि पेपर मोड़ना जो है आसान, कटिंग करना इन कंपैरिजन टू मोड़ना हल्का सा वो टफ है। तब क्या देखा जाए तो दोनों ही आसान है, बट मोड़ने की अपेक्षा काटना हल्का सा वो आपको लगेगा, डिफरेंट है काफ़ी। मोड़ने में क्या है, मोड़ने में तो क्या है, कोई भी चीज़ आप ऐसे, कोई भी चीज़ खड़ी है तो उसको आप ऐसे मोड़ दोगे तो आप एज्यूम कर सकते हो। जैसे कि हम पहला सवाल अपना देखेंगे कागज़ मोड़ना का, देखिए ये कोई चीज़ ऐसे आकृति दे रखी है, एक चतुर्भुज दिया गया है, उसमें ये कुछ इस तरह से आकृति दी गई है। अब करना क्या है इसको, अब यहाँ पे इसका मतलब जानते हैं, इसका मतलब ये होगा कि आपको ऐसे मोड़ना है, तो आप जब इसको ऐसे मोड़ोगे तो कुछ ऐसा ऐसी आकृति आपको मिलेगी। तो आप जब मोड़ दोगे तो कुछ ये तो आपका रहेगा ही रहेगा, और साथ में ये कुछ इस तरह हो जाएगा, इस तरह, क्योंकि ये जो चीज़ है ये चीज़ जब मुड़ जाएगी तो इधर आ जाएगी, तो आपको कुछ ही आकृति मिल जाएगी, ठीक है ना। इसलिए दोस्तों आप जैसा कि पेपर का ट्रेंड बढ़ता चला जा रहा है, पेपर मतलब फोल्डिंग से कम आते हैं, कटिंग से क्वेश्चन जो है ज़्यादा आता है, और इसीलिए जो है आपको, हम ये नहीं कह रहे कि आप फोल्डिंग मत देखिए, बट कटिंग पे ज़्यादा आप गौर कीजिएगा, ठीक है ना। कटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है, यहाँ पे आप हल्का सा आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है, बट अगर आपका कॉन्सेप्ट सही है, अगर आपने अप्रोच सही लगा रखी क्वेश्चन में, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कैसा भी सवाल आएगा आप कर लोगे। और पेपर में जो भी क्वेश्चन आते हैं बहुत ही ऐसे, बहुत ही लेंथी टाइप के नहीं होते, बहुत ही मॉडरेट लेवल के होते हैं, और ऐसे होते हैं जो आपको लग सकते हैं, आप थोड़ा सा अपने दिमाग का इस्तेमाल करके लगा सकते हो। और कैसे करोगे, जब आप ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस किए रहेंगे, ठीक है ना। तो आइए अगला सवाल देखते हैं। इसमें अब ये दे रखा है, इसमें क्या करेंगे आप, इसको आप ऐसे मोड़ दीजिए, इसको जब आप मोड़ देंगे तो कुछ ये आकृति आपको मिलेगी, ये ऐसे आप मोड़ दीजिए सर, तो ये इस पर ये इधर डॉट आ जाएगा, और इधर ये डॉट के ऊपर गोला चढ़ जाएगा, सर्किल चढ़ जाएगा, और इधर ये चतुर्भुज के ऊपर बिंदी चढ़ जाएगी, तो ये आपका हो गया सही आंसर बी वाला। इसको हमने क्या क्या कर दिया, ऐसे इसको ऐसे मोड़ दिया, इसको हमने ऐसे करके मोड़ दिया, तो ये हमारा सही विकल्प आ गया। अब इसके बाद हमारा आता है सी वाला। सी वाला कैसे होगा, देखिए ये आपको क्या दिया गया है कि एक ये इधर सर्किल दिया, इधर आपको क्या दिया, तीर दिया गया, तीर के निशान है, इधर सर्किल है, तो इसको भी आप क्या कर दीजिए, इसको ऐसे मोड़ दीजिए, इसको आप ऐसे मोड़ दीजिए, देखिए देखिए जब इसको आप ऐसे मोड़ेंगे, ये कुछ ऐसे था, ये भी कुछ ऐसे था,
ये इधर चला जाएगा तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा और ये कुछ इस तरह हो जाएगा, कुछ इस तरह हो जाएगा। तो क्या किया, ऐसे मैंने मोड़ दिया तो ये जो तीर का निशान है ये आपकी सर्किल में जा करके जो है मर्ज हो गया। ये वाला तीर का निशान कुछ इस सर्किल में जाके मर्ज हो गया। अब आपका ऑप्शन में जो सही होगा वो आप क्या कर देंगे, मार करके निकल जाएंगे। तो दोस्तों ये था आज का हमारे वीडियो पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, आपको कैसा लगा? और प्लीज़ आप सभी से निवेदन है मेरी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैं आपका जल्दी से जल्दी, अभी ये ख़त्म होने वाला है, उसके बाद मैं कुछ और भी इसके महत्वपूर्ण सवाल को मैं कराऊंगा, टेस्ट सीरीज़ और भी मैं इससे रिलेटेड और जारी करूंगा, ठीक ना? तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।